हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल एच डी ओर हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी फॉर क्लास ट्वेल्थ टी एस की टेक्स्ट बुक से 2024 एडिशन वॉल्यूम वन अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म्स चैप्टर सेवन डिजोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जर्नल एंट्रीज रिलेटेड टू डिजोल्यूशन ऑफ अ फॉर्म सो लेट सी क्वेश्चन नंबर फोर्टीन रोहित कुनाल एंड सार्थक Partners decided to dissolve their firm. Passed necessary journal entries for the following after various assets other than cash and bank and outside liability had been transferred to realization account. Kunal agreed to pay his wife's loan of rupees sixty thousand. Total creditors of the firm were rupees forty thousand. Creditors of rupees ten thousand were given part of furniture of book value rupees eight thousand out of total furniture of book value 28,000 in settlement. Remaining creditors allowed discount of 10%. Rohit had given a loan of Rs 70,000 to the firm which was paid. A machine which was not recorded in the books was taken by Kunal at Rs. 3,000 whereas it expected its expected value was Rs 5000. The firm had a debit balance of rupees 15000 in the profit and loss account on the date of dissolution and sarthak paid the realization expenses of rupees 16000 and was to be paid 15000 including expenses for completing dissolution process so this was the question so let us see the detailed explanation of this in the solution so solution we will see ए कुनाल एग्री टू पे हिस्स वाइफ्स लोन हु इज वाइफ मीन्स वाइफ्स लोन इज एन आउटसाइड लाइबिलिटी टू द पार्टनरशिप फर्म यह आउटसाइड लाइबिलिटी है क्योंकि वाइफ इज नॉट द पार्टनर पार्टनर कौन है रोहित कुनाल एंड सार्थक है और कुनाल की पत्नी ने फर्म को लोन दिया था तो ये तो आउटसाइड लाइबिलिटी हुआ तो उसे हम पे करेंगे तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड क्योंकि किसी भी लाइबिलिटी को पे करने के लिए हमें लाइबिलिटी अकाउंट को डेबिट करना होता है और यहां वाइफ लोन है ये क्रेडिट बैलेंस रहा होगा इसे हमें डेबिट करके क्लोज करना है सो टू बैंक और कैश यू कैन राइट क्योंकि वाइफ के लोन को हमने रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करके क्लोज कर दिया है Fine. अब उसके लिए उसको पेमेंट करेंगे तो हम फिर से वाइफ लोन नहीं डेबिट करेंगे क्या करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट हम डेबिट करेंगे सिक्सटी थाउजेंड रुपीज तो आप इसको इस तरीके से भी समझिए कि रियलाइजेशन अकाउंट जब हमने बनाया और लाइबिलिटी को ट्रांसफर किया तो वो वाइफ लोन क्रेडिट साइड ट्रांसफर होके क्लोज हो गया अब इसको हम पेमेंट कर रहे हैं तो इसे हम ऐसे पेमेंट कर रहे हैं टू बैंक से सिक्सटी थाउजेंड रुपीज हमने पे किया तो यही एंट्री हमने यहां पर पास किया है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक फाइन अब पॉइंट बी को देखते हैं बी में क्या लिखा हुआ है टोटल क्रेडिटर्स है रुपीज फोर्टी थाउजेंड के सो so यहां पर मैं मेंशन कर देता हूं पहले एक्सप्लेन कर लेता हूं इसे फोर्टी थाउजेंड रुपीज के क्रेडिटर्स हैं उसमें से क्रेडिटर्स ऑफ रूपीज टेन थाउजेंड टेन थाउजेंड वाले क्रेडिटर्स को अलग कर दीजिए और बाकी थर्टी थाउजेंड वाले को अलग थाउजेंड वाले जो क्रेडिटर्स हैं उनको एट थाउजेंड रुपीज का फर्नीचर दिया गया है इन फुल सेटलमेंट इनको दिया गया है एट थाउजेंड का फर्नीचर और ये एसेट है एसेट फर्नीचर इज एन एसेट एंड आउट ऑफ टोटल फर्नीचर ऑफ बुक वैल्यू ट्वेंटी एट थाउजेंड अब ये फर्नीचर कितने के थे ट्वेंटी एट थाउजेंड के फर्नीचर थे जिसमें से एट थाउजेंड का फर्नीचर हमने क्रेडिटर को दे दिया तो यह आपस में सेटल हो गए और ये दोनों ही रियलाइजेशन अकाउंट में पहले से ही ट्रांसफर किए जा चुके हैं इसलिए इनका हमें कोई भी जर्नल एंट्री करने की जरूरत नहीं है जर्नल एंट्री इनसे रिलेटेड होगा है ना और यहाँ क्या लिखा हुआ है आगे आउट ऑफ द टोटल फर्नीचर ऑफ बुक वैल्यू ट्वेंटी एट थाउजेंड इन सेटलमेंट फाइन ये हुआ ट्वेंटी एट थाउजेंड में से आठ हजार हमने फर्नीचर को दे दिया रिमेनिंग क्रेडिटर्स अलाउड डिस्काउंट ऑफ परसेंटेज और ये जो रिमेनिंग क्रेडिटर्स हैं इन्होंने 3, का डिस्काउंट दे दिया तो फर्म पेमेंट कितना करेगी ट्वेंटी सेवन थाउजेंड रुपीज को बैंक से पे करना है फाइन सो so, ये है पॉइंट बी और इसी का हमें जर्नल एंट्री करना है और अगर हम इसको गौर से देखें तो एसेट्स भी इधर ट्रांसफर है टू फर्नीचर अब मैं इसको दो हिस्सा करके लिख रहा हूं एट थाउजेंड का एक फर्नीचर है और बाकी ट्वेंटी थाउजेंड का दूसरा फर्नीचर है और लाइबिलिटी जो है वो क्रेडिटर ये भी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर हो गया है इसको भी मैं दो, दो लिख रहा हूं टेन थाउजेंड और थर्टी थाउजेंड इसको आप समझिए कि इसकी और इसकी आपस में सेटलमेंट हो रही है तो इसकी और भी कोई जर्नल एंट्री करने की जरूरत नहीं है ठीक ये वाले जो क्रेडिटर हैं इनको हम ट्वेंटी सेवन थाउजेंड रुपीज पे कर रहे हैं तो ये एंट्री होगा यहां टू बैंक ट्वेंटी सेवन थाउजेंड रुपीज फाइन और इस फर्नीचर के बारे में कुछ नहीं कहा गया तो इसे भी आप बेच सकते हैं क्योंकि ये टेंजिबल एसेट है टेंजिबल एसेट को हमेशा हमें बुक वैल्यू पर बेच देना है हालांकि क्वेश्चन में कहा नहीं है लेकिन आपको इसे रियलाइज कर लेना है तो हमें इसकी जर्नल एंट्री करनी है और इसकी जर्नल एंट्री करनी है ये क्या है ये रिलाइजेशन अकाउंट है सो रिलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक एंड बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रिलाइजेशन अकाउंट यही दो एंट्री बनते हैं पॉइंट बी के लिए सो लेट एस पास द जर्नल एंट्री फॉर दिस सो पहले इसका पेमेंट कर देते हैं क्रेडिटर को तो लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड बैंक ये किसके लिए कर रहे हैं हम क्रेडिटर के लिए कर रहे हैं कितना दे रहे हैं ट्वेंटी सेवन थाउजेंड ये हमने क्रेडिटर्स को पे कर दिया अब बाकी के फर्नीचर को आप रियलाइज कर लीजिए ये लिखा हुआ नहीं है लेकिन आपके लिए समझना है इसे और इट इज अंडरस्टूड कि आपको इसे बेचना है सो so, उसके लिए बैंक अकाउंट डेबिट होगा फर्म का बैंक में पैसा आएगा कितने में बेचा है हमने बुक uh, वैल्यू में ही बेचा है फाइन सो ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज ये हमने बेचा है Where is that? हमने बेचा है फाइन रोहित अ पार्टनर लोन ऑफ रूपी सेवेंटी थाउजेंड टू दर्म विच वॉज पेड पार्टनर का जो लोन है यह आउटसाइड लाइबिलिटी नहीं है इसलिए यह कभी भी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होता है फाइन तो इसे हम अलग से ही पे करते हैं और इसके लिए हम क्या करना पड़ेगा हमें रोहित्स लोन रोहित लोन अकाउंट हम डेबिट करेंगे क्योंकि लाइबिलिटी को डेबिट करके ही क्लोज किया जाता है सो टू बैंक या कैश लिख सकते हैं एंड अमाउंट इज सेवेंटी थाउजेंड बींग पार्टनर्स लोन पेड ऑफ अब पॉइंट डी डिस्कस करेंगे मशीन विच वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स वॉज टेकन बाय कुनाल रूपीज थ्री थाउजेंड वेर एज इट इट्स एक्सपेक्टेड वैल्यू वॉज रूपीज फाइव थाउजेंड अनरिकॉर्डेड मशीन का मतलब है कि वो बैलेंस शीट में नहीं है और कोई भी एसेट अगर बैलेंस शीट में नहीं है मतलब फर्म के स्टॉक में एक रिटर्न ऑफ मशीन के रूप में वो रखी हुई है जिसे एक पार्टनर ले जा रहा है और हम फर्म ने उसका रीसेल वैल्यू फाइव थाउजेंड रुपीज डिसाइड किया है लेकिन कुनाल को उसे वो थ्री थाउजेंड रुपीज में मिल गया है तो जितने में कुनाल पार्टनर ले जा रहा है उतने का ही हम रिकॉर्ड करेंगे सो उसके लिए करेंगे कुनाल कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट यहां आपको मशीन नहीं लिखना है और वैसे भी ये रिकॉर्डेड मशीन है नहीं रियलाइजेशन अकाउंट से ही वो रियलाइज होगा फाइन बीइंग ओल्ड मशीन टू पार्टनर दे दिए पार्टनर को थ्री थाउजेंड रुपीज में नाउ पॉइंट ई फर्म हेड ए डेबिट बैलेंस ऑफ रूपीज फिफ्टीन थाउजेंड इन द प्रोफिट एंड लॉस अकाउंट ऑन द डेट ऑफ डिजोल्यूशन डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का मतलब है वो लॉस है, है ना, जो कि एसेट की तरफ होगा बैलेंस शीट में इसी के बारे में जानकारी दी गई है यहाँ और इसे भी हम कभी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करते हैं क्योंकि ये लॉस है प्रॉफिट या लॉस को या किसी भी तरीके के रिजर्व को हम ट्रांसफर नहीं करते हैं जो प्रॉफिट से बना हुआ हो हम इसे सीधा कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है तो उसे हम क्रेडिट करेंगे तो डेबिट क्या करेंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे तीनों पार्टनर को हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में देंगे और रोहित कुनाल और सार्थक So, ये प्रॉफिट एंड लॉस का जो लॉस है जो पिछले सालों का है इसे हम ट्रांसफर करेंगे कैपिटल अकाउंट में फिफ्टीन थाउजेंड को उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जो कि वन इज टू वन इज टू वन लॉस गिवन टू पार्टनर्स अब एक लास्ट जर्नल एंट्री बची हुई है पॉइंट एफ सार्थक पेड द रेशन एक्सपेंसेस ऑफ थाउजेंड एंडजेंड इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस फॉर कंप्लीटिंग डिजोल्यूशन प्रोसेस सार्थक जो कि एक पार्टनर है उसने डिजोल्यूशन प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए अपने बैंक अकाउंट से मतलब उसके पर्सनल बैंक अकाउंट से उसने सिक्सटीन थाउजेंड रुपीज फर्म के लिए पे किया क्योंकि ये फर्म का खर्चा है तो फर्म को अब वापस रियम्बर्स uh, uh, करना चाहिए सार्थक को लेकिन फर्म ने उसको फिफ्टीन थाउजेंड रुपीज ही एक्सेप्ट किया सार्थक ने सिक्सटीन थाउजेंड रुपीज खर्च किए फर्म के लिए लेकिन फर्म ने उसे सिर्फ फिफ्टीन थाउजेंड रुपीज ही दिया तो उसकी जर्नल एंट्री हम क्या करेंगे क्योंकि फर्म ने जितना दिया उसे ही रिकॉर्ड करना है क्योंकि ये फर्म की बुक्स है तो फर्म ने कितना दिया फिफ्टीन दिया तो इसे भी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट रिलाइजेशन अकाउंट डेबिट बिकॉज रिलाइजेशन अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट फाइन सो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस टू जिसे मिला वो सार्थक बीइंग एक्सपेंस ऑन रियलाइजेशन Paid to partner. So, this will be the journal entry for question, uh, point F, question number 14. Now, let us see question number 15. Suman and Ranjan were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 3 to 1. The firm was dissolved on 31st March 2019. Pass the necessary journal entries for the following transactions after various assets other than cash in hand and bank and third party liabilities have been transferred to realization account dissolution expenses rupees 10000 were paid by the firm ranjan had given a loan of rupees 60000 to the firm for which he accepted 58000 in full settlement the firm had a debit balance of rupees 40000 in the profit and loss account

नाउ डिजोल्यूशन एक्सपेंसेज टेन थाउजेंड रुपीज वर पेड बाय द फर्म सो पॉइंट ए क्योंकि रिलायेशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है इसलिए रिलायेशन अकाउंट डेबिट होगा रिलायेशन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक कितना पे किया फर्म ने टेन थाउजेंड रुपीज

देखिए राजन का लोन कितने का है सिक्सटी थाउजेंड रुपीज का है लेकिन हमने बैंक से कितना पे किया फिफ्टी एट थाउजेंड रुपीज पे किया सो so, फर्म को टू थाउजेंड रुपीज का गेन हो गया क्योंकि कम पे करना पड़ रहा है इस गेन को हम ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में टू थाउजेंड बींग पार्टनर्स लोन पेड ऑफ नाउ पॉइंट सी दर इज अ फॉर्म हैडेबिट बैलेंस ऑफ रूपीज फोर्टी थाउजेंड इन द प्रोफिट एंड लॉस अकाउंट ऑन द डेट ऑफ डिजोल्यूशन डेबिट बैलेंस था प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब यह लॉस था इसे हम पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे सुमन सो सुम्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड एंड राजउंट डेबिटेड राजपिटल अकाउंट ऑल्सो डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस है ना विच इज अ लॉस क्रेडिट डेबिट बैलेंस था तो उसे हम क्रेडिट करके क्लोज कर दिए और ये अमाउंट है रुपीज फोर्टी थाउजेंड और पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है थ्री इज टू वन सो थर्टी थाउजेंड एंड टेन थाउजेंड वी हैव टू राइट बीइंग लॉस ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स नाउ पॉइंट डी प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन सो प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन भी हमें डेबिट के साइड ही दिखेगा क्योंकि ये क्रेडिट बैलेंस है है ना बैलेंसिंग फिगर है डेबिट में अपियर होगा रिलाइजेशन अकाउंट के टू सुमन एंड टू राजन ट्वेल्व थाउजेंड रुपीज को हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थ्री इज टू वन में देंगे सो नाइन थाउजेंड एंड थ्री थाउजेंड बींग प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन मुझे उम्मीद है कि आपने वीडियो को अच्छे से देखा है एक्सप्लेनेशन को भी अच्छे से सुना है मेरा सजेशन है कि आप एक्सप्लेनेशन को बिल्कुल स्किप मत कीजिए और गौर से देखिए ध्यान से देखिए आपको पूरा अच्छे से समझ में आएगा और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा यह भी बताइए कि आप किस जगह से यानी किस शहर से इस वीडियो को देख रहे हैं थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग सब्सक्राइबिंग एंड शेयरिंग दिस चैनल थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो